कल हमने डिस्कस किया था आपसे एंकर टैग। एंकर टैग के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, एक वेब पेज से हम दूसरे वेब पेज पे जा सकते हैं, ठीक है। वो जो वेब पेज है आपके एक ही वेबसाइट के हो सकते हैं दोनों, ठीक है। जिस वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना है, हम एक ही वेबसाइट के हो सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट वेबसाइट के भी होते हैं, जैसे आप सीसीएस यूनिवर्सिटी के साइट पे हो फिलहाल, या कोई एसएससी का एग्जाम भर रहे हो, कोई सा भी फॉर्म भर रहे हो, जैसे आप फिल करते हो तो आप बैंक की साइट पे चले जाते हो, ठीक है, थर्ड पार्टी साइट पे चले जाते हो। वो एंकर टैग से ही होता है सारा, ठीक है। तो एचटीएमएल की कोडिंग एक बार देख लेते हैं कैसे करते हैं। ये हमारे बेसिक टैग है, इसके अंदर हम लेते हैं आपका हेड टैग, इसको सेव करा लेते हैं, कुछ भी नाम देते उसका, abc.html, सेव करा दिया। इसके अंदर टाइटल ले लिया, सर पाइथन जैसे पाइथन में होता था कि हम यहाँ पे लिख देता हूं मैं माई पेज, कुछ भी लिख दो। एक होता है इसके अंदर बॉडी टैग, इसके अंदर आपको कोडिंग करनी है। जैसे मैंने एंकर टैग बताया था, एंकर टैग ए स्लैश ए, ठीक है जी। अब यहां पर मैंने लिखा जैसे जीमेल, तो यहां मैं चाह रहा हूं कि जब इस पर क्लिक करूं मैं जीमेल पे, तो मेरी जीमेल खुल जाए। तो उसे खोलने के लिए आपको यहाँ पर एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, एच रेफरेंस, यहाँ लिखना पड़ेगा https://www.gmail.com, ये लाइन लिखनी पड़ेगी, है ना। तो ये आपका जीमेल आ जाए, उसको रन कराते हैं। डेमो एबीसी के नाम से था ना, इसको रन कराते हैं। ये आपका आ गया जीमेल, जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो आपकी जीमेल वाली साइट खुल जाएगी, है ना। ये जीमेल वाली साइट खुल गई आपकी, बैक करते हैं उसी लिंक पे आ जाते हैं, ठीक है। अभी इसमें एक एट्रीब्यूट और लगा सकते हैं हम, जैसे इस एट्रीब्यूट का नाम होता है टारगेट, ठीक है। अगर आप यहाँ पर टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक लिख दोगे, लिख देंगे ब्लैंक, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा देखो। मैंने इसे रिफ्रेश किया, क्लिक कर रहा हूं, ये आपका जीमेल दूसरे टैब में खुला, ये पहला टैब है, ये दूसरा टैब है ना, दूसरे टैब में खुला, ठीक है। इसे क्लोज करता हूं, अगर मैं इसको हटा देता हूं, ये देखो मैंने हटा दिया, रिफ्रेश किया, इसको क्लिक करता हूं तो यही पेज दोबारा रीलोड होगा, देखो यही हुआ, यहीं पर ही खुला, कोई दूसरा टैब नहीं खुला यहाँ पर, ठीक है। अगर आप दूसरा टैब खोलना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ब्लैंक। जैसे आप ब्लैंक लिखोगे, ठीक है, अंडरस्कोर ब्लैंक, तो आपका ये दूसरी तरफ खुल जाएगा। देखो अब मैं सिर्फ रिफ्रेश करता हूँ, अब क्लिक करूंगा तो इधर खुलेगा, यहाँ पर जी मेरे दूसरे टैब में खुल जाएगा। तो ये वेबसाइट थी आपकी, वेब पेज था जो मैंने बनाया, ये छोटा सा, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो दूसरे इस पर जा रहे हैं, तो आपको टारगेट देना पड़ेगा इसमें, टारगेट ब्लैंक। एक होता है इसमें पेरेंट, रिफ्रेश करते हैं, ये यहीं का यहीं खुलता है, ठीक है, पेरेंट से। अगर आप नहीं दोगे तब भी पेरेंट ही माना जाता है टारगेट, टारगेट क्या माना जाएगा आपका, पेरेंट ही माना जाता है, ठीक है जी। एक मैंने बताया था कि तुम्हें छोटी छोटी इमेज लगानी है, उन इमेज पर अगर मैं क्लिक करूं तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, छोटी छोटी कुछ इमेज डाउनलोड करता हूँ सबसे पहले गूगल से। एक तो फेसबुक की डाउनलोड कर लेते हैं,
सॉरी, फेसबुक आइकन। देखो, अगर आपको ये इमेज उठानी है, सपोज ये इमेज उठानी है, कैसे उठाएंगे? हमारे विंडो में एक टूल आता है, स्निपिंग टूल। तो आप टाइप करोगे, यहां पर आपको क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे, और लिखोगे स्निपिंग टूल। ये इस तरह से कैंची का निशान आ जाएगा, आप इसे क्लिक करो यहाँ पर। ठीक है, क्लिक करने पर एक छोटी सी विंडो खुल के आई है। इस विंडो पे आपको न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करते हो, सपोज मुझे ये इमेज उठानी है, तो आप इसको इतना काट लो, ये हमारी इतनी सी इमेज आ गई। इस इमेज को हम सेव करा देते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे हमने फोल्डर बनाया था ऑनलाइन शॉपिंग के नाम का, उसमें एक फोल्डर बनाया था IMG, हमने दे दिया इसका नाम FB, है ना, आइकन FB आइकन नाम दे दिया इसको, सेव करा दें। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। कुछ और दूसरा आइकन उठाते हैं हम, किसका उठा लेते हैं, इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम आइकन, ये हमारा इंस्टाग्राम आइकन है। इसे कैसे उठाएंगे? फिर वही विंडो पे क्लिक करो, स्नैपिंग टूल। ठीक है, स्नैपिंग टूल न्यू पे क्लिक करो। जितनी तुम्हें इमेज उठानी है, सपोज मुझे यहां से यहां तक की चाहिए, उतनी सेलेक्ट कर लो। ये आ गया, इसको सेव कर लीजिए। इसका नाम रख देते हैं इंस्टा। ठीक है जी, एक दो और डाउनलोड कर लेते हैं, फेसबुक की होगी, जीमेल की कर लेते हैं। ये हमारा जीमेल का आइकन है, स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल की हेल्प से आप जो भी तुम्हें इमेज चाहिए, ये चाहिए मेरे को, ये छोटी सी, उसे ये इन्हें डायरेक्ट डाउनलोड ना कर लें। आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो, कुछ इमेज है ना पेड होती है, आप है ना कॉपीराइट्स में फंस जाओगे। अगर आप कुछ इमेज है ना जो फ्री है, तो फ्री वाली को तो आप लगा सकते हो, लेकिन जो फ्री नहीं है ना, आप कॉपीराइट्स में आपकी आपको है ना एड नहीं मिलेंगे। अगर आप अपनी वेबसाइट पे क्या किया, तुमने गेट बंद कर दिया, अगर आपने क्या किया, कहीं से इमेज डाउनलोड कर ली और अपनी वेबसाइट पर लगा ली, ठीक है, तो आप कॉपीराइट्स में फंस जाओगे, अगर वो कमर्शियल है इमेज। ठीक है, तो स्निपिंग टूल से हम क्या कर सकते हैं, इससे हम डायरेक्ट काट सकते हैं इमेज जितनी भी चाहिए आपको। तो ये कॉपीराइट से बचने का एक तरीका है। ठीक है, जो कॉपीराइट में फंस जाते हैं, उन्हें ऐड नहीं देता गूगल, आपको ऐड नहीं मिलेंगे। अगर अपनी वेबसाइट पर आप ऐड चाह रहे हो, तो मिलने का ही नहीं, आपको मोनेटाइजेशन ही नहीं होगा। डायरेक्ट डाउनलोड कर लो, मर्जी है तुम्हारी, कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने तीन इमेज सेव कर ली, ये फेसबुक की, जीमेल, इनको अपनी वेब पेज पर लगाता हूं मैं, और इन पे क्लिक करूंगा तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। कौन सी? फेसबुक पे क्लिक करूंगा तो फेसबुक वाली। लेकिन कैसे? मैंने एक एंकर टैग लिया ए, ठीक है, यहां पर यूज कर लेता हूं मैं BR टैग, ब्रेक टैग। ठीक है, यहां पर यूज किया मैंने HRefs। एच रेफरेंस कौन सी साइट खोलनी है तुम्हें? SA, मुझे खोलनी है http://www.facebook.com। लेकिन कहां पे क्लिक करना है? यहां इमेज, इमेज ले लो, इन दोनों एंकर टैग के बीच में एक इमेज ले लो। कैसे लेंगे? IMG टैग से। IMG टैग बताया था मैंने आपको, SRC। रिसोर्स कहां से उठानी है? IMG फोल्डर के अंदर FB.JPG एक इमेज है। तो ये क्या होगा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एंटर किया, ऐसे भी ले सकते हो। हमने क्या किया, ये एंकर टैग है, इस एंकर टैग के बीच में एक इमेज लगा दी। यानी कि जब आप इस इमेज पर क्लिक करोगे, तो आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। इस वाली पर रिफ्रेश करते हैं, इमेज शायद गलत लगा दी, चेक करते हैं क्या हो गया। FB आइकन के नाम से है,
ना FBI आइकन के नाम से, इसका जो नाम है FBI आइकन है, तो बात गलत दे दी हमने। JPG रिफ्रेश करते हैं, हमारी इमेज आ गई। देखो जैसे इसके ऊपर माउस लेके आता हूँ, हैंड का निशान आया, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ आपकी फेसबुक खुल जाएगी इमेज पर, ठीक है। तो आप अलग अलग आइकन्स लगा सकते हो, ये इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, पहले एक यूज कर लेते हैं BR पेस्ट। यहां पर हम खोलेंगे इस बार जीमेल, और फाइल का जो नाम है वो दे देते हैं जी, जोन से जीमेल, जीमेल ही है ना, GM है, तो यही नाम देना है एग्जैक्टली जो हमने यहाँ दिया, तो जी, ठीक है। अब मैं से रिफ्रेश करता हूँ, ये आपका जीमेल का आ गया, इस पर क्लिक करूंगा तो जीमेल खुल जाएगी, ठीक है। फेसबुक पर क्लिक करूंगा तो फेसबुक खुल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आप इंस्टाग्राम पे भी लगा सकते हो, पेस्ट करते हैं यहाँ पर पाथ दे देते हैं, इंस्टाग्राम, इंस्टा, तो यहाँ पर एक इमेज और लग जाएगी इंस्टाग्राम वाली, है ना, ये इंस्टाग्राम खुल जाएगा आपका, ठीक है। तो आप इनकी विड्थ हाइट सेट कर लो, सबकी इक्वल दे दो, ये जो आपने इमेज ली इनकी विड्थ हाइट दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं 50 और हाइट भी दे देते हैं 50, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट, सॉरी यहाँ इमेज में देनी है इमेज, इस इमेज की भी विड्थ हाइट 50 दे दी, इसकी भी 50 दे दी, और ये वाली जो इमेज थी इसको भी हाइट हमने की दे दी 50 50। रिफ्रेश करते हैं, तीनों सेम आ जाएंगे, ठीक है। जिस पर भी आप क्लिक करोगे वो वेबसाइट खुल जाएगी। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, सर, अगर हमें इसमें इमेज में कुछ चेंज करना होगा तो हम वो एंकर टैग के अंदर ही करेंगे ना, किसी भी लाइन में कर सकते हैं ऊपर नीचे या इमेज वाले में। सर, समझा नहीं क्या कह रहे हैं? जैसे हमने अभी इसमें हाइट और विड्थ दी है, तो हमने जहां से हमारी इमेज का सोर्स, अब इनका फायदा कहाँ है, आप जब भी कोई अपनी वेबसाइट बनाओगे तो वेबसाइट का आप जो अपना एडवर्टाइजमेंट करोगे, एक तो फेसबुक पे करोगे, तो फेसबुक पे अपना पेज बना लेना अपनी वेबसाइट का, जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड उसका लिंक दे देंगे, जीमेल का लिंक दे देंगे, आपकी जो भी मेल आईडी है, इंस्टाग्राम पे आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, यूट्यूब पे आपका चैनल है उसकी भी लिंक दे सकते हैं, आप यहाँ मल्टीपल आइकन्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपकी, कैसे लगाया हमने? अब डिस्कस करते हैं हाउ टू क्रिएट ए टेबल, टेबल कैसे क्रिएट करें। मैं एक वेब पेज नया ले लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ table.html, ठीक है। फिर वो कोडिंग HTML/HTML, ये तो लिखना ही लिखना है, head/head body, सबसे पहले टेबल डिस्कस करते हैं, टेबल होती क्या है, किस तरह का उसके अंदर कंटेंट होता है। ये हमारी टेबल है, सपोज इस टेबल के अंदर सपोज आपके तीन तीन कॉलम है, ये आपका सपोज सीरियल नंबर, नेम, ये हमारी टेबल है। ये जो है आपका ये सबसे ऊपर है, इसको क्या बोलते हैं HTML में, वैसे तो टेबल नेम बोलते हैं लेकिन हम इसको बोलेंगे यहां पर कैप्शन, कैप्शन,
इसको क्या बोलेंगे, कैप्शन। और कैप्शन लेने के लिए हम यूज करेंगे कैप्शन टैग का, कैप्शन टैग। कौन सा टैग यूज करेंगे? कैप्शन। ठीक है जी, ये क्या है आपकी, ये सारी की सारी है, तीन रो हैं, क्या है आपकी रो, ये क्या है टेबल रो। टेबल रो के लिए हम यूज करेंगे टीआर टैग। कौन सा टैग? स्लैश टीआर। टीआर का मतलब होता है टेबल रो, ठीक है, टीआर टैग यूज करेंगे। ये क्या है आपके, सीरियल नंबर, नेम और एड्रेस। ये क्या है आपके, इनका बोलते हैं टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग है। टेबल हेडिंग के लिए आप यूज करोगे टी एच टैग। टी एच का मतलब टी टेबल, एच मतलब हेडिंग, टी एच टैग, ठीक है। ये क्या है, वन अमित और ये वाले, दिस वन, ये, और इनको क्या बोलते हैं, टेबल डेटा। ये क्या है हमारा, टेबल डेटा, टेबल डेटा। टेबल डेटा के लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे, टी डी, ठीक है। और टेबल बनाने के लिए हम यूज करेंगे टेबल टैग का, इसका यूज करेंगे टेबल। आप टेबल टैग का यूज करेंगे यहां शुरू टेबल और यहां पर एंड करेंगे टेबल। ये ऊपर मैंने बताया ये कैप्शन होता है, ये टेबल हेडिंग है, ये आपकी पूरी एक रो है, ये भी रो है, इसमें चार रो हैं, तीन कॉलम्स हैं, ठीक है। ये आपकी टेबल है, एक छोटी सी टेबल बना के देखते हैं। ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, ये बॉर्डर है, ये आपका बॉर्डर है, ये आपका बॉर्डर है, ठीक है। इसे सेव कर देते हैं, टेबल इसे, ठीक है जी। अब ये टेबल बनेगी कैसे, ये ही बनानी है मुझे सपोज, तो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। बॉडी टैग के अंदर ही काम करते हैं हम, तो आपको लेना है टेबल, टेबल स्लैश टेबल, ठीक है। टेबल में बॉर्डर चाहिए, अगर आपको टेबल को चारों तरफ बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर इक्वल टू वन कर दो तो एक लाइन का बॉर्डर आ जाएगा, अगर दो दोगे तो दो लाइन का हो जाएगा, भी दिखाता हूं, ये आ गया। अब तुम्हें देखना है कि मेरी टेबल के अंदर कितनी रो हैं, कोई बताएगा कितनी रो हैं इसमें, एक दो तीन चार, चार रो हैं, लेकिन इससे ऊपर एक कैप्शन भी है। तो सबसे पहले हम कैप्शन लगाते हैं, देखो कैप्शन कैसे आएगा। टेबल के अंदर सबसे पहले हम ऊपर लेते हैं कैप्शन, कैप्शन, कैप्शन में दे दिया मैंने जैसे इंप्लॉय स्लैश कैप्शन, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा कैप्शन आ जाएगा ऊपर, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार। टेबल वाली पेज है, ये रन कराया, ये हमारा कैप्शन आ गया, ठीक है जी। कोई इफेक्ट नहीं आया अभी, कुछ नहीं आया, अभी आएगा। कैप्शन के बाद अब हमारी जो टेबल है इसमें चार रो हैं, एक दो तीन चार रो हैं, रो बोलते हैं इस एरिया को। ये आपकी एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, चौथी रो है, ठीक है। ये आपकी दूसरी रो है, ये आपकी तीसरी रो है, चार रो है। आपको पता लग गया कि चार रो हैं। रो लेने के लिए, टेबल रो लेने के लिए आपको टीआर टैग भी लेने पड़ेंगे चार, क्योंकि चार रो हैं। तो मैं चार रो लेता हूं,
कैसे? टी आर स्लैश टी आर एक होगी, कॉपी पेस्ट दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी। तो मैंने चार रो ले ली इसके अंदर, एक दो तीन चार, क्योंकि मेरे टेबल में चार रो है। अब पहली रो के अंदर, पहली रो के अंदर ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं? यस, हेडिंग, टेबल हेडिंग। हेडिंग। ये टेबल हेडिंग है। टेबल हेडिंग के लिए हम यूज करेंगे कौन सा? टीएच टैग। तो पहली रो में, पहली रो के अंदर आपको तीन टीएच लेने हैं। पहली रो के अंदर ये है पहली रो, इसके अंदर कितने टीएच लेने हैं? तीन टीएच स्लैश टीएच, एक हो गया, दो तीन, तीन हो गए। पहली रो के अंदर तीन हेडिंग हो गए। पहला हेडिंग क्या था? सीरियल नंबर। दूसरा हेडिंग नेम, और जो तीसरा है एड्रेस। ये तीन हेडिंग डाल दिए मैंने। अब इसका आउटपुट देखते क्या आएगा। ये आ गया सीरियल नंबर, नेम और एड्रेस, ये कैप्शन आ गया ऊपर। अभी हमने एक ही रो ली तो एक ही रो आई। अब बात करते हैं दूसरी रो की, इस वाले की। ये हमारे क्या है, इनको क्या बोलते हैं? टेबल हेडिंग ही आएगी। ये टेबल नहीं, ये है आपके टेबल डेटा। हेडिंग तो ये है, सॉरी सॉरी ये टेबल डेटा है सारे। ठीक है जी, ये टेबल डेटा है। तो एक रो में तीन डेटा है तो आप तीन टीडी ले लो। ये दूसरी रो है, ये दूसरी रो है। इस रो के अंदर आपको लेने हैं तीन टीडी स्लैश टीडी, एक टीडी हो गया, दूसरा टीडी, तीसरा टीडी, तीन टीडी है ना। टेबल डेटा सीरियल नंबर वन अमित कुमार, एड्रेस दिल्ली। ऐसे ही ये आपकी दूसरी रो है, ये वाली। इसमें दो अजय शर्मा मुंबई, तीन टीडी लेते हैं, वन टू थ्री। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा बदल देते हैं एडजस्ट। ये तीसरी रो है, ठीक है, इसमें ले लेते हैं टीडी स्लैश टीडी, कितने लेने हैं? तीन। सीरियल नंबर दो अजय शर्मा और एक है मुंबई। ये हमारी पहली रो थी, ये दूसरी रो, टी आर से पता लग रहा रो है ये तीसरी रो, ये लास्ट वाली है चौथी। ठीक है, इसके अंदर भी हम तीन टीडी लेंगे टेबल डेटा। थ्री, नाम क्या था इसका? वो देते हैं गोविंद और सहारनपुर। तो यहाँ नाम देते हैं गोविंद और सहारनपुर। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आपकी एक छोटी सी टेबल बन। देखो टेबल हेडिंग जो है ये डार्क आते हैं, टेबल हेडिंग से टीडी से ये लाइट आते हैं, ये हल्के आ रहे हैं। आप यहाँ पे भी टीएच यूज कर सकते हो। जैसे मैं सहारनपुर में टीएच यूज करता हूँ तो सहारनपुर है ना डार्क आएगा। ये जो सहारनपुर है ना, टी डी की जगह टीएच यूज करता हूं मैं, टीएच, तो सहारनपुर हमारा डार्क आ जाए, ये देखो, और सेंटर में आ जाए ऑटोमेटिक। ठीक है, सर, अगर अगर हमारी टेबल में 1000 रो हो तो हमें 1000 के 1000 रो क्रिएट करनी पड़ेंगे अलग अलग। देखो जो हमारी रो होती है ना, हमें 1000 रो नहीं क्रिएट करनी, हमें क्या करना है, फिर लूप लगाना है। लूप लगा देंगे, लूप के अंदर हम एक लाइन लिख देंगे, कोड लिख देंगे एचटीएमएल का, वो लूप 1000 बार चलेगा तो 1000 रो क्रिएट कर देगा। ऐसे तो थक जाओगे तुम कोडिंग करते करते।
ठीक है, उसके लिए लूप बनाया गया। तो लूप मैं जावा स्क्रिप्ट से सिखाऊंगा कि लूप कैसे लगाते हैं, ठीक है? ओके, तो हमारी एक सिंपल टेबल बन गई। अगर मैं इसमें बॉर्डर सपोज हटा देता हूं, ये बॉर्डर हटा दिया, खाली टेबल टेबल रहने दिया, तो ये चारों तरफ से बॉर्डर लाइनें हट जाएंगी, या इस तरह से आ जाएंगी, ठीक है? बॉर्डर ना दोगे तो ऐसा हो जाए, ठीक है जी? लेकिन बॉर्डर दे देते हैं, आप बॉर्डर टू भी दे सकते हो, तो डबल बॉर्डर आ जाएगा। ये देखो थोड़ा बॉर्डर डार्क हो गया है। आप अगर इसको 5 दे दोगे तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये। ये देखो ये बॉर्डर और चारों तरफ का बॉर्डर और डार्क हो गया, समझ रहे? 15 देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा इस, ठीक है? ये बॉर्डर का खेल है सारा का सारा। क्लियर है इतना? ये जो हमारी टेबल है, ऐसे और अट्रैक्टिव बनाते हैं हम, क्या करते हैं टेबल का कलर कर देते हैं ब्लू कलर। कुछ भी कर सकते हैं आप, ये येलो कर लो तो आपकी कलर येलो कलर की आ जाएगी। एक मिनट, सेव कराया। अच्छा, बॉर्डर कलर देते हैं, बॉर्डर कलर ये दिया हमने। बीजी कलर, बीजी कलर येलो दे दिया, ये हमारा येलो कलर का आ गया, ठीक है? बीजी का मतलब बैकग्राउंड कलर। ऐसे आप बॉर्डर कलर भी दे सकते हो, बॉर्डर हमने दे दिया ऑरेंज, ठीक है? तो आपका बॉर्डर जो है ऑरेंज कलर का आ जाना चाहिए, ये आ गया, ठीक है? ऑरेंज कलर का आ गया आपका बॉर्डर, ठीक है जी? इस तरह से आप इमेज लगा सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कहाँ दिया मैंने, बॉर्डर टेबल में, ठीक है? इसमें हम जो बॉर्डर दिया, इसे 1 पिक्सल बॉर्डर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल का बॉर्डर दिया तो 1 पिक्सल का आ गया। अगर मैं यहाँ 20 पिक्सल करता हूँ या 10 पिक्सल करता हूँ तो 10 पिक्सल का बॉर्डर आ जाएगा, ये 10 पिक्सल का। तो ये भी एक तरीका, आप बॉर्डर इक्वल टू 20 लिख दो, या ऐसे भी लिख सकते हो, बॉर्डर इक्वल टू 10 पिक्सल बॉर्डर दे दिया। इसे लिखो या ना लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है? ये कुछ एट्रीब्यूट्स है, समझ में आया? एक होता है सेल स्पेसिंग, ये जो छोटे छोटे बने हुए ना, ये बॉक्स सीरियल नंबर वाला नेम वाला, इनके बीच में जो गैप है इसको सेल स्पेस बोलते हैं। हम सेल स्पेसिंग के थ्रू ये स्पेस बढ़ा सकते हैं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेल स्पेसिंग इक्वल टू, मैंने दे दिया 5, तो हर सेल के बीच में 5-5 पिक्सल का गैप आ जाएगा। ये 5-5 पिक्सल का गैप आ गया, इसे और बड़ा कर लेते हैं, इसे 15 कर लेते हैं, जिससे हमें महसूस हो। ये टेबल और ज्यादा एट्रेक्टिव बन गई। तो यानी कि सीरियल नंबर और ये 1, ये जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है, इस बॉर्डर और इस बॉर्डर के बीच में ये जो बॉर्डर है और ये बॉर्डर है, इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, ये 15 पिक्सल का है, ये भी 15 पिक्सल है, ये भी 15, ये भी 15, ये 15, ऊपर से 15, हर तरफ से 15-15 पिक्सल का गैप है, ठीक है? ये सेल स्पेसिंग से आया, ये जो गैप मेंटेन हो रहा है, ये सेल है, इसको एक सेल बोलते हैं,
ये भी एक सेल है जिसके अंदर बंद है, इसको सेल बोलते हैं। तो सेल स्पेसिंग से आए। क्लियर है सभी के? अगर आप इसकी विड्थ दोगे, जैसे मैंने अभी यहां विड्थ दी, ये विड्थ दी 500, तो ये 500 विड्थ की हो जाएगी। ठीक है जी, ओके सर। एक चीज और समझते हैं, देखो थोड़ा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है इसको समझो थोड़ा ध्यान से। ये जो गैप है ये किससे आया कोई बताएगा? ये गैप किससे आया? सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग से आया सर। सेल स्पेसिंग से है ना, हमने सेल स्पेसिंग लिया था। ये जो गैप आया सेल स्पेसिंग से आया, गुड। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो बाउंड्री है, ये वाली जो बाउंड्री है, ये वाली, ये वन और इसके बीच का जो गैप है ये है ना, ये जो बॉर्डर है और जी है, इससे थोड़ा हटाना चाह रहा हूं मैं, चारों तरफ से इस बॉर्डर से हटाना चाह रहा हूं, मतलब अंदर की तरफ ही इसको हटाना चाह रहा हूं, इधर से भी इधर से भी अंदर की तरफ। मतलब ये है तुम्हारा एक सेल उठा लिया तो सर, इसमें भी सेल स्पेसिंग यूज कर लेना ना, इसमें सेल स्पेसिंग नहीं, इसमें चलेगा पैडिंग स्पेसिंग। पैडिंग स्पेसिंग सर? हाँ सेल पैडिंग, इसमें चलेगा सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग से वन और इस बॉर्डर के बीच में ये गैप क्रिएट कर देगा। तो कैसा करेंगे, आपको सिंपली जो आपकी टेबल है इसको रेज कर देता हूं सारे को, यहां पर लिखना है सेल पैडिंग, मैंने दे दिया 15 पिक्सल का, तो ये चारों तरफ से 15 15 पिक्सल ये हट जाएगा बॉर्डर से, ये देखो। ठीक है, यानी कि ये यहां से और ऊपर से 15 पिक्सल हो गया, इधर से भी और इधर से भी 15 पिक्सल हो गया, ये 15 पिक्सल, ये भी इधर से भी 15 पिक्सल है ना, 15 15 पिक्सल ये हट जाएगा चारों तरफ से। हेडिंग तो हटेंगे नहीं, ये तो बाय डिफॉल्ट सेंटर में आते हैं, आपने टीएच ले रखा ना, टीएच से ये बाय डिफॉल्ट सेंटर में आएंगे, लेकिन ये 15 पिक्सल है, ये 15 पिक्सल है, इधर से सेंटर में रहेगा, लेकिन ये वाले इधर से 15 पिक्सल 15 पिक्सल, ये 15 पिक्सल 15 पिक्सल, सारे 15 15 पिक्सल होंगे। ठीक है, सेल पैडिंग से आएगा। क्लियर है सभी के?